अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये दूसरा व्लॉग है, एक और एक नया दिन। तो आज जा रहा हूँ कहीं पर। चलिए व्लॉग आज का शुरू करते हैं, बाद में आप लोग बताता हूँ क्या हुआ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज मैं जा रहा हूँ अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल खुलने वाले हैं। तो उन लोगों ने बोला टेस्ट करके आना, क्योंकि अगर कोरोना होगा तो स्कूल नहीं जा सकते। तो अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ फ्री है, कितना पे करना पड़ेगा या क्या है, देखते हैं। फ्री होगा तो सही है यार, अभी जाके देखेंगे अभी क्या होता है। मैं बाद में आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज दूसरा दिन है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल हुआ था ऐसा कि मैं गया था अपना कोरोना टेस्ट के लिए, और हो भी गया था, फ्री में हो गया था। ये जो एमरेस पोस्ट ऑफिस है, ये जो रोला का पास है, वहाँ पर मैं गया हुआ था और कर लिया था, और मेरे को 2 घंटे कुछ लगे थे। तो मैंने ना सोचा वीडियो बना लूँगा, कुछ फ़ोटो वोटो लूँगा, पर उधर अलाउ नहीं था। उधर उन लोगों ने लिखा भी था कि अलाउ नहीं है। तो एक बंदे ने कुछ फ़ोटोज़ ले लिए थे उधर, तो मैं देख रहा था, वो ले रहा था। तो बंदे आए ना, उधर जो छुट्टे लोग होते हैं, जो खड़े होते हैं, उन लोगों ने देखा था। बाद में उसे मोबाइल लेके उससे बोल रहा था फ़ोटो क्यों लिया, वो सब ऐसा पूछ के। बाद में वो उसको बाहर ले गया था, फ़ोटो से डिलीट सब कुछ कर लिया, फिर उसको अंदर छोड़ दिया। तो यार मेरा तो टेस्ट हो गया था, मेरे को उधर लगा था 1 घंटा, आधा ऐसा 2 घंटा लगा था, रुका हुआ था उधर। इतना यानी बहुत बंदे थे, तो उधर है ना सब लोग एक एक कुर्सी में बैठे थे, एक लाइन छोड़ छोड़ के बैठे थे ऐसा। तो वहाँ पर है ना हर कोई आए थे, हर कोई श्रीलंका पाकिस्तान हर कोई थे। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे ना, अपना एमरेस आईडी ले जाइए या फिर पासपोर्ट, दोनों से कोई एक, तो आप जाएंगे उधर, एक लाइन होगा उसमें जाएंगे। तो अगर एमरेस आईडी या पासपोर्ट, उसके ऊपर है ना आपका नंबर आप लिखेंगे, बाद में जाके बैठेंगे। फिर वहाँ पर है ना हर किसी का नाम बुलाएंगे, कोई भी हो सकते हैं, मैम हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, जो बुलाएंगे नाम, तो वो बुलाएंगे, आप उनके पास जाएंगे। तो वो है ना आपको एमरेस आईडी या आपका पासपोर्ट है ना, उसके साथ वो एक डब्बा सा इतना से देगा, उसको आप ले जाएंगे दूसरी तरफ। उधर एक जो चेकिंग करेंगे, वो लोग चेक करेंगे ऐसा, फिर वो ऐसा अंदर डालेंगे। और यानी पहले ना मुंह में भी चेक कर देते हैं, अभी नहीं, ऐसे बस इधर से डालेंगे निकालेंगे, और इतना दर्द नहीं होता उससे, क्योंकि मैंने कर लिया था ना। वरना कुछ कुछ होते हैं जो चेक करते हैं ना, तो वो ऐसा ऐसा घुमाते हैं, पर इसने ऐसा डाला और निकाला, दर्द नहीं हुआ। तो अभी इंशाल्लाह 2 दिन का अंदर शायद, या 3 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आ जाए। जब आएगा पता नहीं क्या होगा, देख लेंगे उसका जो होगा, तो 2-3 दिन में आ जाएगा। अभी पता नहीं ऑनलाइन आएगा या क्या, मेरे हिसाब से ऑनलाइन, क्योंकि उसमें ऐप भी है ना उन लोग का। तो ऐप का लिंक भी मैं दूंगा, अगर ऐप में उसका रिजल्ट आया तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, और कैसे करना है वो तो आप भी जानते होंगे यार, आसान है हर चीज़ उसमें। तो बाद वरना मैंने उधर से चुपचाप से एक फ़ोटो ले लिया था, तो वो मैं आपको इधर स्क्रीन में दिखा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे सब लोग बैठे हुए थे। बाकी और कुछ भी नहीं था, बस ये इतना ही तक था आज के लिए। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी बता दूंगा आप लोगों को। बस दुआ करिए कि पॉजिटिव ना हो जाए, नेगेटिव अच्छा होगा। तो दुआ करना कि सही हो जाए तो अच्छा है, वरना तो मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मेरे को ना फ्लू है ना कुछ है, बीमारी कुछ नहीं है। और जो कुछ कुछ स्कूल है ना खुल रहे हैं ना बाकी, तो उनका भी कुछ कुछ स्कूल है जो बोल रहे हैं कि हर हफ्ते कोरोना टेस्ट करना चाहिए। यार हर हफ्ते करेंगे तो ये जो नाक है ना, ये भी ख़राब हो जाएगा, हर बार डाल 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 के ख़राब हो जाएगा। तो मेरा तो अभी एक ही बार बोला हुआ है, पता नहीं शायद महीने में एक बार हो तो भी अच्छा है, कोई मसला नहीं, वरना हर बार यार कौन करेगा। और आपको पता है जो स्टूडेंट है, शायद छोटे हो या बड़े हो, हर कोई बाहर जाता है यार, कोई भी घर में बैठ नहीं सकता, हर बार बाहर जाएंगे आएंगे। तो आपको नहीं पता, अभी समझो एक बार मैंने चेक किया है, अभी मेरा कोरोना नहीं होगा एग्जाम्पल, तो बाद में फिर है ना वापस, तो आप बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ, तब भी हो सकता है ना, किसी का यकीन नहीं यार कब किसको हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये बैड आइडिया था, यानी जो स्कूल खुल रहे हैं, पर क्या करें, अभी खुलना तो लाजमी है। पर मेरे हिसाब से एग्जाम शायद कैंसिल हो जाएंगे, अभी इतना मुझे नहीं पता, तो जो भी होगा बाद में देखते हैं। अभी कुछ दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे, तो अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना, बाकी अपडेट आप लोगों को बाद में दूंगा। और हाँ, ये एक बात बता रहा था कि जब मैं जा रहा था गाड़ी से, मैं आपको वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सोचा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे भी आपको पता है कि हर वीडियो में बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने इसलिए उसमें नहीं बना दिया था, मैंने ऐसे छोड़ दिया था। और मैं कल बनाने वाला था दूसरे वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला था कैसे कैसे हो रहे थे, पर मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं थोड़ा ना उधर गया चेकिंग किया था, बाद में कज़न लोग के साथ बाहर था, ये सब तो नहीं हो पाया मुझसे, तो इसलिए नहीं कर पाए। तो आज मैं बना रहा था इसका वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, और हाँ अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल जाए। और अगर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाना, और लाइक लाजम करना भूलना नहीं, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। सही, अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना।